उपनिषदों में भी कहा गया है कि अमृत वह आप यानी पानी ही अमृत है। गर्मी के मौसम में प्यासे राहगीरों को शीतल जल पिलाने की कई मिसालें मिल जाती हैं। पहले जहां राहगीरों के लिए दरख्तों के नीचे मटके रखे जाते थे, वहीं अब पक्के प्याऊ या वाटर कूलर लगाए जाते हैं। इससे भी बढ़कर जो सुखद एहसास पृथ्वीपुर बेहड़ भटेड़ और भद्रकाली के जंगलों में सड़क किनारे को देखने को मिल रहा है, वह है पक्षियों के लिए प्याऊ। समाज सेवी कैप्टन राजेंद्र शर्मा उर्फ हैप्पी ने जगह जगह ऐसे प्याऊ पेड़ों से लटका रखे हैं ताकि जंगल में पक्षी अपनी प्यास बुझा पाएं। पिछले साल मेरे दिमाग में आया था, गर्मी बहुत थी, मैंने बहुत इधर से आना जाना रहता था मेरा, मंदिरों में जाता हूँ मैं तो मैं देखता हूँ इधर जो पंछी हैं बहुत प्याछे थे। तो एक दिन मैंने इसके बारे में सोचा कि मैं इसके लिए कुछ करूँगा। तो मैं जैसे ही मंदिर से वापस आया अपने घर पहुंचा तो मैंने आते ही मेरे दिमाग में आया कि मैं सबसे पहले जो कल मेरा जो काम होगा वो पंछियों के लिए मैं बर्तन लगाऊंगा और मैं डेली इनको पानी डालने, मैं तकरीबन जहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर से आता हूँ मैं। पिछले साल मेरे वाइफ मेरी जो पूरी हेल्प करती थी वो मेरे साथ आती थी, वो खुद उतर कर पानी डालती थी। तो मैंने देखा कि जब भी मैं दूसरे दिन चेक करता था तो मेरे को पूरे जो बर्तन थे वो खाली मिलते थे और ऐसे मेरे को महसूस होता जैसे जैसे मैं जंगल में इन होता था तो मेरे को ऐसे महसूस होता था कि ये जो पंछी हैं मेरा इंतजार कर रहे हैं। जहाँ बर्तन लगाए उधर मैंने 2-3 दिन बोतलें पानी की भरकर रखी हैं ताकि जो कुछ आदमी है जिसके पास पानी की कोई सुविधा नहीं है तो वो बोतल उठाए और इस बर्तन में डाल दे ताकि मैं दूसरे दिन आकर और जो खाली पड़ी बोतल में उसको भर जाता हूँ। और हमारी सभी से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपना भी ख्याल रखना है, कोरोना से भी बचाव रखना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, जितना भी हो सके सबसे पहले अपनी सेफ्टी करते हुए ये पुण्य का काम करना है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए दौलतपुर चौक से AK कालिया की रिपोर्ट। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में ना थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही ना बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।